एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान शहर के बंगाली पकड़ी मोड़ पर एनडीए प्रत्याशी का जोरदार स्वागत। देख सकते हैं जेसीबी से फूल बरसाकर वहां के लोगों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया है। बता दें कि रमेश सिंह कुशवाहा और उनकी पत्नी एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी का जोरदार स्वागत जेसीबी से फूल बरसाया जा रहा है। हजारों की हजारों संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम एनडीए भाजपा के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए हैं। तमाम पार्टी के यहां पे जिला अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं। तमाम महिलाओं की भीड़ सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। तमाम यहां के व्यवसायी पहुंचे हुए हैं। सिवान शहर के बंगाली पकड़ी मोड़ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही सिवान एनडीए प्रत्याशी नरेंद्र मोदी की प्रत्याशी नीतीश कुमार की प्रत्याशी जैसे ही पहुंची तो वहां के लोगों के द्वारा जेसीबी से फूल बरसाकर विजय लक्ष्मी कुशवाहा और रमेश सिंह कुशवाहा का जोरदार स्वागत किया गया है। देख सकते हैं ये शहर का बंगाली पकड़ी मोड़ है जहां पर जबरदस्त फूलों की बारिश, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। देख सकते हैं सिवान का एमपी कैसा हो, विजय लक्ष्मी देवी जैसा हो के नारे लग रहे हैं। तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता जोरदार स्वागत बंगाली पकड़ी मोड़ पर। भाजपा की कैंडिडेट, जदयू की कैंडिडेट, देख सकते हैं फूलों की बारिश, जेसीबी से फूलों की बारिश हो रही है शहर के बंगाली पकड़ी मोड़ पर। जोरदार स्वागत फिर से आपको एक बार दिखाते हैं कि जैसे ही खुले गाड़ी में एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा बंगाली पकड़ी मोड़ पर पहुंची, साथ में उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा जैसे ही गाड़ी से पहुंचे तो फूलों की बारिश होने लगी। जेसीबी से फूलों की बारिश हो रही है। अपने प्यारे नेता जो 90 के दशक से ही जो 2000 पहले का राज था उसके खिलाफ दूसरा आवाज थे माननीय स्वर्गीय सुशील मोदी जी। आज उनका देहांत हो गया। पूरा एनडीए परिवार, पूरे बिहार का एनडीए परिवार आज शोक मना रहा है। मित्रों, खुद भी चुनाव की खड़ी में आप लोगों के बुलाने पर हम और लोकसभा के यहाँ के जो प्रत्याशी मेरी धर्मपत्नी विजय लक्ष्मी देवी जी हैं वो आई है। आप लोगों ने दो दिन पहले से ही यह कार्यक्रम रखा था कि पकड़ी मोड़ पर उन्हें मृत्यु से दौड़ना है, लेकिन जब जैसे ही हमें जानकारी हुई मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने कहा कि नहीं, एक कार्यक्रम नहीं हो, हम लोग एक सभा करेंगे जिसमें सोच पर शुरू करते हुए अपनी बात रखेंगे। भाइयों, इस चुनाव में आप सभी जानते हैं चुनाव का सच्चा
काफी बढ़ चुका है। सब प्रत्याशी आपके बीच आएंगे, हम किसी प्रत्याशी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आए। हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, अब की बार नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गांव में, अपने अपने पंचायतों में थोड़ी देर तक के साथ लग जाएंगे। उसी अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।